एक से बढ़कर एक ब्रांडेड सामान पर लगी है धमाकेदार सेल। कतरन मार्केट से भी सस्ता सामान मिलेगा यहाँ पर। एक से एक बढ़कर ट्रेंडिंग और फैशनेबल ड्रेसेस और फुल एसी, इसमें शॉपिंग करने का कुछ अलग ही मजा। हर जरूरी सामान इतने सस्ते में एक ही छत के नीचे। साथ ही 15 अगस्त की डेकोरेशन और यहाँ लगने वाली हर एक ब्रांड पर धमाकेदार सेल, जिसका आनंद ले रहे हैं हम इस व्लॉग में। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस शॉपिंग का सारा व्लॉग। तो यहाँ पर क्या क्या है, हमने क्या क्या सामान खरीदा और मुझे यहाँ पर कैसे रेट, क्या सामान किस रेट पर मिला और मैं कतरन मार्केट से इसको कैसे कंपेयर कर रही हूँ, तो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो संडे को आते तब भी इतनी रहती है भाई, खूब अच्छी अच्छी भीड़ हो रखी है। बल्कि इतनी नहीं कह सकते वैसे, मैं रोशू कह रही है कि आज अच्छी भीड़ है। और ये बना रहे अपनी वीडियो वगैरह, मैंने भी बना ली यहाँ की। अब करेंगे थोड़ा सा सामान वामान खरीद लेते हैं। बाकी बलून बलून लगा रखे हैं एक दो जगह, ऐसी वाली डेकोरेशन है थोड़ी थोड़ी हो रहा है ऊपर। बच्चा मजा ले रहा है एक्सीलेटर का। और हम आ गए मॉल में थोड़ी हवा खाने के लिए। मैंने कहा कोई डिस्काउंट डिस्काउंट अच्छा मिलेगा या फिर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे। अब आज फ्री हैं, आज सुबह खाने में भी बन गया था खाना वाना, तो आज बना लिए थे पनीर की सब्जी, रोटी बनाई है, पूरी नहीं बनाई, और बनाया रायता बूंदी का, और बनाया था सूजी का हलवा जो रोशू को बहुत पसंद है, देसी घी का, तो वो सब हैवी था। और तो इसलिए आज हम बाहर आ गए थोड़ा घूमने के लिए। चलो यहाँ देखिए और क्या क्या है यहाँ पे भाई, कैसे अच्छे लग रहा है ना आज, ऑरेंज और वाइट और ये सब। अब इनको चले थे थोड़ा खर्चा वर्चा करवा लेते हैं। और यहाँ भाई शूज़ पे शूज़ ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ शूज़ फ्रेश में हैं, कुछ है ये फ्लैट 50% में ये खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50% की सेल थी, पर यहाँ पर है ना कुछ जो सिलेक्टेड पीस थे ना उन्हीं पर थी, तो वो डिपेंड करता है भी आप उनमें से पसंद आ जाता है तो ठीक है, आप ऑफ़र में अच्छा फ़ायदा ले लोगे, तो या फिर आप फ्रेश ले लो। तो रेट तो देखो स्केचर के मुझे ज़्यादा रेट लगे जो फ्रेश है, बाकी ऑफ़र में तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो फिर भी मतलब आपको 3,000-4,000 में जूता मिल रहा है ऑफ़र में भी। मतलब आप लगा के चलो स्केचर के जो शूज़ है वो आपको फ्रेश में 7,000 से स्टार्टिंग लगा के चलो। और फिर हम पहुँचे यहाँ पर रिबॉक में, हम रिबू के भी शूज़ यहाँ से लेके गए करूँगी, वो राखी की शॉपिंग है, उसका भी इसके बाद आ जाएगा वो व्लॉग। तो रिबू के शूज़ थे वो भी यहाँ से लिए थे, और इनके भी शूज़ हम यहाँ से ही लिए हैं हमने, क्योंकि यहाँ पर ना जो ऑफ़र वाला जो शूज़ है वो हमें ना 4,000 का पड़ा है, बट कंफर्ट भी देखना पड़ता है ना, तो सही है इसका कंफर्ट अच्छा था। और इसके साथ मुझे सबसे बड़ी बात है मुझे एक एक टी शर्ट मिल गई फ्री। तो एक टी शर्ट मैंने रिबो के साथ ले ली थी टी शर्ट, और एक टी शर्ट मैंने आज ले ली रिबॉक की। तो ये वाइट वाला शूज़ ट्राई किया लेकिन इसमें कंफर्ट नहीं था, वाइट लेने का मतलब कोई मेंटेनेंस बहुत मांगता है ना वाइट, बट फिर कंफर्ट सा नहीं लगा, और जिसमें कंफर्ट था वो फ्रेश में था, और वो शूज़ 7,000 के कुछ आसपास था, और भाई उसको पहन इतना सकते नहीं थे। तो मैंने ये कहा कि अगर थोड़ा सा ट्राई के लिए लेना है या आपको शौक पूरा करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा चीज़ों को शौक के लिए नहीं लेते, वो यूज़ करते हैं अच्छे से चीज़ों को, तो वो उनका मैंने ये बोला कि भाई थोड़ा सा सस्ता ले लो, जैसे भाई 2-3 हज़ार का हो जाएगा जूता, तो आप वो यूज़ में आ भी जाएगा और वो ले भी लेंगे। तो उस हिसाब से नहीं मिला, मतलब टोटल करके वाइट वाला कैंसिल हुआ, फिर एक शूज़ लिया। और यहाँ पे ना इनमें से मुझे एक से सिलेक्ट करनी थी टी शर्ट, तो सेल है और 50% में मिल रही है, वैसे 1,000 की टी शर्ट है लेकिन मुझे 500 की टी शर्ट मिल गई यहाँ पे। और शूज़ लिया है तो भाई टोटल जो भी लगाया बजट लगा के हमें एक टी शर्ट मतलब फ्री में ही मिली। की दिक्कत आ रही है, आप साइज जा चुके हैं। बाकी इसकी ये जो जैकिंग है ना ऑजरी में है, बड़ा अच्छा कपड़ा है और फिटिंग भी अच्छी है। सबसे बढ़िया वो जैसे हम पहनते हैं वुमेंस में, यहाँ पे जो शेप की दिक्कत आती है तो शेप नहीं आ रही, मतलब जो आगे की शेप आ जाती है ना कि वो पहनते अच्छी नहीं लगती, तो वो नहीं आ रही ये पहनने के बाद पर। बट मेरा इसमें साइज़ में है, लार्ज भी टाइट आ रहा है। पिंक तो मैं तुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा साइज़ नहीं है ये कलर, मैं लूंगी भी नहीं और इसमें भी नहीं होगा, मेरा साइज है भी नहीं, लार्ज ऊपर लिखा हुआ है, ऑरेंज में है, बस बस ऑरेंज में है, हाइट नहीं ऊपर लिख रहा है, ऑरेंज में मैं नहीं ले रही इतना भड़केला सर। तो इस पे भी है 50%, 1500 है ना, तो 1600 हाँ 800 की पड़ेगी। ये वाला कलर नहीं, छोटा साइज है, नहीं है नहीं है। तो ये वाला जो सामान था इस पे भी 50% था, 800 में ये सामान मिला। अगर एक्सरसाइज करते हो जिम जाते हो तो ये बेस्ट रहता है। ले ली शॉपिंग कर ली, शूज़ ले लिया मैंने, टी शर्ट ले ली, और बिलिंग हो रही है, 50% में मिलेगी सारी चीज़ें। ब्लॉगिंग हो रही है, ब्लॉगिंग पीछे तो भाई मेरे हस्बैंड भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं, बीच में ना थोड़ी बिजी हूँ एरोबिक के कारण, तो ब्लॉग वगैरह डाल नहीं रही, तो इनके पे आते रहते हैं रेगुलर।
इनके चैनल पे हमारे, तो जो मेरे सब्सक्राइबर है तो भाई वो मेरे हस्बैंड के चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका दे दूंगी लिंक वगैरह और चैनल का नाम वगैरह। मेरे चैनल का नाम है भूपिंदर यादव, भूपिंदर यादव सर्च में हो सकता है ना है, लेकिन मैं आपको हैंडल बता रहा हूँ, हैंडल है @BHUPI1515, तो @BHUPI15 इस पर आप सर्च करो तुरंत आएगा, नाम आएगा भूपिंदर यादव। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी जो हमारे डेली यूसेज के लिए है। और साथ में भाई हमारी मैडम का भी चैनल सब्सक्राइब करो। मैं तो अपने सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ कि तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसको अगर मेरे चैनल पर जो चीज़ें नहीं आती है तो तुम्हारे चैनल पर आती है, कहीं पर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती तो इनके चैनल पर आती रहती है, तो इनके चैनल भी भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आज भी देखो इतना बढ़िया डिस्काउंटेड मिल गया, बहुत सेल लगी हुई है मॉल में, खूब आओ शॉपिंग करो, बढ़िया शॉपिंग करो भाई शॉपिंग। फिर हम पहुंच गए रेड टिप पर, यहाँ पर भी बहुत सारे स्लीपर थे क्रॉक्स से और बहुत सारे वुमेंस और जेंट्स और किड्स दोनों के लिए, और यहाँ पर पता है 70% की सेल थी और काफ़ी अच्छे अच्छे स्लीपर जो लेटेस्ट चली हुई ना उस तरह की थी। कई बार ऐसी होता है कि हर जगह ना शूज़ पहन के नहीं जा सकते, तो यहाँ से भी मेरे हस्बैंड ने लिए एक जोड़ी स्लीपर। और रेट की बात करें भाई 70% ऑफर के बाद 800-900 की स्लीपर पड़ी, लेकिन स्लीपर बहुत अच्छी है, कहीं भी बार बार पहन सकते, और भाई ब्रांड है तो कंफर्ट भी उस लेवल का होता है। तो रेट देखो आप 700-800 में आपको इधर उधर आप दे लोगे ना, लोकल भी लोगे तो भी इतने की ही मिलेगी, लेकिन आपको वो क्वालिटी वो कंफर्ट नहीं मिलेगा और वो चीज़ चलेगी भी नहीं उतनी। तो इससे ना मैं आज ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि कई बार ये होता है, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा हर जगह नहीं होता, कई बार रहता है कि जो जैसे अब 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जैसे डिस्काउंट चलता है ना, तो उसमें जो ये जितने ब्रांड होते हैं ना उन पे ना बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो जैसे मॉल वगैरह में आप ब्रांड में जब इस टाइम में थोड़ा सा सर्च किया करो तो आपको लोकल चीज़ से भी सस्ता सामान और अच्छा सामान मिल जाता है। राखी की शॉपिंग का भी छोटी छोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दो दिन की शॉपिंग है मेरी, तो इसीलिए आप देख रहोगे कि अलग अलग मेरे मैं सूट में हूँ, तो ये वाली जो राखी की शॉपिंग थी ये भी मैं इसी व्लॉग में थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़े से कपड़े हमने यहाँ से ले लिए थे बच्चों के, और काफ़ी सही रेट में टी शर्ट मिल रही थी, इन पर डिस्काउंट नहीं था, फ्रेश थी, पर वही रेट में जैसे टी शर्ट 300 की टी शर्ट मिल रही थी और 800-900 में पैंट लोअर वगैरह ये सब मिल रहा था, तो अच्छी और एकदम फ्रेश था। और देखो कतन मार्केट से इसलिए कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर ना कहते हैं कई मैंने वीडियो भी देखी है, लोग भी बोलते हैं और कई बार हम गए देखे भी, वहाँ पे ब्रांड भी मिल जाता है, लेकिन भाई वो ना तो वो फ्रेश होते हैं और दूसरा गर्मी धूप में घूमते रहते हैं, इतना परेशान होते हैं, तो यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर कर रही हूँ, आपको उतने रेट में सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। और अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पर अधिकतर कॉपी सामान है, ओरिजिनल वहाँ पर ब्रांड्स नहीं है, तो उनके बहकावे में ना आए, वीडियो के बहकावे में ना आए जो लोग बोल रहे हैं। तो अभी तो ये सेल है, बाकी ये लगती रहती है, जो भी सर्च करते रहें जब भी टाइम हो तो आप जाकर एक बार देख लें। तो हमने काफ़ी सामान ले लिया और दोनों दिन की वीडियो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, तो ये कपड़े भी मैं दिखाऊंगी बाद में जब राखी पे जाऊंगे तब दिखाऊंगी कि भाई ये कैसे कैसे हैं। वैसे तो ये कुछ इस तरह के, आज रिबू भी बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि इसने अपना जो सामान लेना था वो ले लिया और अब बारी मेरी है, तो ये लोग भी बोर हो रहे हैं। फिर मैंने ये देखी टी शर्ट, एक ब्लैक और एक पर्पल, ये दो टी शर्ट लिए हैं और ये भी अच्छे रेट में हैं और कंफर्टेबल है एकदम बिल्कुल। तो आज मैंने दो ब्लैक टी शर्ट ले ली है और एक पर्पल हो गई है और एक और, मतलब चार पांच टी शर्ट आज मेरी हो गई है। ये वाला मेरा पहले दिन वाली शॉपिंग है, तो इसमें जब मैं गई थी तो ये टी शर्ट ली थी मैंने, फिर उनको ट्राई किया, वॉश करके देखा तो अच्छी लगी, तो दूसरे दिन फिर दोबारा मैं गई और फिर वहाँ से हमने और शॉपिंग किया। तो दो दिन का जो व्लॉग है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक 15 अगस्त को गए थे और एक ये एक दो दिन पहले गए थे, तो अच्छा सामान है इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सही रेट में सस्ता भी है और बढ़िया भी है, और इसीलिए मैं दोबारा भी गई हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो ये यहाँ पर टी शर्ट लगी हुई है और सही सही रेट में लगी हुई है, काफ़ी रीजनेबल है डिलीवर के लिए, ठीक है देखते हैं इसका कपड़ा ट्राई करते हैं कैसा है। एक बाकी ग्राउंड ये वुमेन्स सारा हुए हैं और वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न सब है यहाँ पर। नाइट वियर कुछ पीए पोलकाडॉट में, ओजरी में नाइट सूट है, सॉरी। रोशिता ने ले ली अपनी एक जीन्स, एक बेल्ट और दो टी शर्ट यादव साहब ने ले ली, मतलब लूट का फायदा उठा रहे हैं सारे। और इसके साथ देखो मैं बिल बन रहा है और हमें ना 500 रुपये का कूपन भी मिला है, मतलब अगर हम दोबारा जाएंगे तो 500 रुपये का कोई भी सामान ले लो, ये नहीं कि मतलब आपको सामान लेना है और उसमें ही कटेंगे, नहीं 500 रुपये का भी कोई सामान होगा उसमें भी कट जाएगा। तो इस तरह भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने ना आज 15 अगस्त वाली शॉपिंग भी और राखी के लिए जो जो सामान लिया था ना वो भी मैंने छोटी छोटी क्लिप इसमें डाल दिया, क्योंकि ना जो वो वाला व्लॉग है वो मेरे हस्बैंड अपने उस चैनल पर डाल रहे हैं, तो किसी को देखना है वहाँ क्या क्या कहाँ कहाँ से कितने कितने का सामान लिया तो वो उसमें आएगा।
बाकी हमें एक दो दिन में फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि जो 500 रुपए का कूपन मिला है ना वो 31 तारीख तक ही वैलिड है। तो अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा सामान और लेना है। देखते हैं अब डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्यों बोला ऐसे? ए रोशन पकड़ी गई, किसी में वो रह गया होगा। हम अपने सामान की बना रहे भैया, हमने आपका नहीं बनाया कुछ भी। अरे बोल क्यों रहा है? अच्छा किस में था भाई? ये तो पकड़ लिया है जब। अच्छा हम तो डर गए, चोरी नहीं, वो तो पता है। ये लो भाई पकड़ लेते हम तो। टाइम खत्म। और ये बच्चे बलून फोड़ रहे हैं इन्होंने। ऑरेंज का तो कर दिया कल्याण, ऑरेंज देखो बलून गया कर दिया, ऑरेंज तो कर दिए, वाइट और ग्रीन बच रहे हैं, और इसमें वाइट बच रहे हैं, उसमें वाइट भी नहीं है। ये आ गए गोलगप्पे के शौकीन भाई। तो आप ज़रूर जाएं, एक एक्सपीरियंस ज़रूर ले ऐसी जगह पर जाकर जब डिस्काउंट चल रहा हो तब। तो कैसा लगा ये वाला व्लॉग? और व्लॉग देखना है तो भाई अच्छे अच्छे से कमेंट करना और लाइक करना ताकि मैं अपना टाइम निकाल के व्लॉग पर थोड़ा सा टाइम दे सकूं, क्योंकि आजकल ना हेल्थ पे टाइम दे रखा है, हेल्थ भी ज़रूरी है। तो ये व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर महादेव।